अजीज़ तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कार्बन एक अहम अंसर इस सबक के अगले हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे, जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सालमी ज़ाब्ता CO2 है। इसका सालमी वज़न 44 है और इसका नुक्ते पिघलाव नफ़ी 56.6 डिग्री सेल्सियस है। ये फ़िज़ा में आज़ाद हालत में पाई जाती है और चौक, शाहबादी फर्शी जैसी अशिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुरक्कब हालत में पाई जाती है। अगर हम तजुर्बा गाह में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करें और इसका मुशाहिदा करें तो हमें मुख्तलिफ मालूमात हासिल होती है। सबसे पहले है इसकी बू। ये एक बेबू है और इसके रंग का मुशाहिदा, ये एक बेरंग गैस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से भरे गैस जार में जलती हुई मोमबत्ती डाली जाए तो ये बुझ जाती है और चूने के महलूल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाए तो ये दुधिया हो जाती है। इसके बाद हम लिटमस पेपर का मुशाहिदा करते हैं। इसमें नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, यानी कि ये कौन सी गैस है, तेज़ाबी है या असासी। ये तेज़ाबी खासियत रखती है। इसके बाद हम इसके इस्तेमालात देखते हैं। ये बुलबुले खारिज करने वाले ठंडे मशरूब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद खुश्क बर्फ़ का इस्तेमाल दूध और दूध से बनी अशिया को ठंडा रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिल्मों और ड्रामों में धुआँ हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉफ़ी में से कैफ़ीन निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नबातात इसे शुआई तरकीब में इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा अहम है कि इसे आग बुझाने के आले में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आतिश फरोह आला कहते हैं। ये छोटे पैमाने पर आग लगने पर इस आले का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर जंग नहीं लगता है और इसमें से बरकी रौन नहीं गुज़रती है, इसलिए ये आसानी से इस्तेमाल किया जाता है।